दोस्तों, आइस नेटवर्क में एक नई और बड़ी अपडेट है। यहाँ पर आपको कुछ टास्क कंप्लीट कर लेने हैं। तो जो पुराने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आइस नेटवर्क को ज्वाइन किया है, वो तो अच्छे तरीके से आइस नेटवर्क को जानते होंगे, लेकिन जो नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक आइस नेटवर्क को ज्वाइन नहीं किया, आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसका मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ पर किस तरीके से आपको अकाउंट बनाना है और किस तरीके से माइनिंग करना है, वो तमाम डिटेल स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, अब तक जितनी भी अपडेट आई है वो तमाम अपडेट मैंने आपको हर एक वीडियो में अलग अलग बता दिया है, तो आपको तमाम वीडियो देख लेना है। इसमें KYC आ चुकी है, तो फेज़ 1 और फेज़ 2 की KYC भी कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके अलावा भी बहुत सारे अपडेट है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना और टेलीग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट होगी, तुरंत आप तक पहुँचती रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अपडेट है इसका हलविंग। सो हम यहाँ पर जो माइनिंग कर रहे थे उस माइनिंग रेट का हलविंग हो चुका है। तो पहले बहुत ही फास्ट माइनिंग स्पीड मिलती थी, उसका हलविंग हुआ। उसके बाद अब 2 बार से यहाँ पर हलविंग भी हो चुका है, तो अब और कम माइनिंग की स्पीड हो चुकी है। सो ये बहुत ही कम हो जाए, उससे पहले पहले आप ज्वाइन करके यहाँ से टोकन को ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों, अब इन्होंने भी OKX एक्सचेंज है उसके साथ ऑफिशियली पार्टनरशिप कर ली है। तो KYC 2 में हमको वॉलेट डालने के लिए कहा था, तो यहाँ पर हमको Ethereum का वॉलेट एड्रेस डालना था, तो उसके लिए इन्होंने OKX का वॉलेट प्रीफर किया था। ये जो वॉलेट है वो भी ये लोग कुछ टाइम के बाद लॉक कर देंगे, उससे पहले पहले अगर आप यहाँ से Ethereum का वॉलेट चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर 2 कंडीशन है, उसको याद रख लेना। अगर OKX का वॉलेट डालोगे, यानी जो एक्सचेंज का वॉलेट है उसको डालोगे, और इनका विड्रॉल होगा उस वक्त में, अगर आपका वॉलेट बदल गया तो फिर आपको विड्रॉल लेने में परेशानी होगी। दोस्तों, आपका फंड लॉस ना हो उसके लिए इनका जो DApp वाला एक्सचेंज है वहीं से ही Ethereum का वॉलेट कॉपी करना है और यहाँ पर डालना है। इसके अलावा भी आप यहाँ पर MetaMask या फिर ट्रस्ट वॉलेट का Ethereum का एड्रेस ऐड कर सकते हो। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपका वॉलेट चेंज नहीं होगा, लेकिन एक परेशानी होगी कि आपका Ethereum का बैलेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो टोकन होंगे वो आपके ट्रस्ट वॉलेट या फिर MetaMask का वॉलेट डालोगे तो उसी में ही क्रेडिट किए जाएंगे। फिर वहाँ से विड्रॉ करके ये OKX एक्सचेंज पर लिस्ट होगा, तो आपको OKX एक्सचेंज पर ले जाने के लिए थोड़ी सी ट्रेडिंग फीस पे करनी होगी, और Ethereum की फ़ीस ज़्यादा है ये आप सबको पता होगा। तो इसलिए आपको जो भी वॉलेट दो तो वही वाला वॉलेट देना जिस वॉलेट में आपका Ethereum का बैलेंस पड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पर वॉलेट डालना, फिर नीचे कन्फर्म एड्रेस लिखा है वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका वॉलेट कन्फर्म हो जाएगा। अब जो नए दोस्त हैं जिन्होंने OKX एक्सचेंज को ज्वाइन नहीं किया, तो उनके लिए भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, अब दूसरी एक बड़ी अपडेट है, आपको ये जो अचीवमेंट है उसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये बहुत ही आसान है, आप जब अकाउंट बनाओगे तब क्लेम योर निकनेम, यानी आपका जो निकनेम होगा उसको ऐड करना होगा, तो ये तो हर कोई कर लेता है। उसके बाद दूसरा है स्टार्ट अर्निंग, यानी यहाँ से आपको माइनिंग करते रहना है। फिर प्रोफाइल पिक्चर, अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर, तो आपको आपका कोई भी प्रोफाइल पिक्चर होगा उसको अपलोड कर लेना होगा, तो ये भी आसान है। फॉलो अस ऑन ट्विटर, तो इनको ट्विटर पर फॉलो कर लेना है, ये भी आसान है। उसके बाद ज्वाइन टेलीग्राम, तो इनका टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है, और फिर आपका टेलीग्राम का यूजर नेम होगा उसको यहाँ पर डालना होगा, तो ये भी कंफर्म हो जाएगा। और सबसे लास्ट में है इनवाइट 5 फ्रेंड्स, तो मिनिमम 5 दोस्तों को रेफ़र करना होगा, तो ये भी आसान है। थोड़ी सी ही मेहनत करोगे तो आपके 5 रेफरल बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कम्प्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन, कीप चेकिंग इन डेली टू अर्न एक्स्ट्रा रिवार्ड्स। तो ये मैं आपको कम्प्लीट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अवैध नेटवर्क में जिस तरीके से लास्ट मोमेंट पर इन्होंने स्कोर निकाल लिया था, तो ये लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, इसलिए आपको इतना कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी ये लोग विड्रॉल लाएंगे, तो विड्रॉल बैच में लाएंगे जिस तरीके से अवैध और कोर कॉइन में हमने देखा। तो पहले हमको 30% या फिर 25% या फिर 20% इस तरीके से थोड़ा सा ही अमाउंट देंगे, उसके बाद ही हमारा हर महीने का विड्रॉल स्टार्ट करेंगे। तो जिन दोस्तों ने ये टास्क कंप्लीट कर लिए होंगे उनको पहले विड्रॉल मिल जाएगा और अच्छा अमाउंट मिलेगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अचीवमेंट है उसको कंप्लीट कर लेना।